ये है हमारे पास में दो कंडेंसर, ये देखिए दोनों का नंबर सेम है, दोनों 50 mFD और ये 50 mFD का कंडेंसर है। कंडेंसर कोई भी हो सकता है, चेक करने का तरीका सेम होता है। तो हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे चेक किया जाता है। एक कंडेंसर ख़राब है और एक कंडेंसर सही है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंडेंसर ख़राब है और कौन सा सही है। इसके लिए हम इसको चेक करने की क्या ट्रिक है हम आपको बताते हैं। पहले सबसे पहले ये दोनों तार ले लीजिए और इसको मेन लाइन पे या अपने बोर्ड में लगा सकते हो आप। मैंने यहाँ पे दोनों मेन लाइन के तार लगा, इस तरीके से टच करेंगे, इस तरह से टच करेंगे तो यहाँ पर कोई फॉल्ट नहीं आ रहा है। आ भी रहा है तो हल्का फुल्का फॉल्ट आ रहा है, ये देखिए कोई फॉल्ट नहीं। लेकिन जब ये वाला, तो इसका मतलब ये कंडेंसर ख़राब है। और ये वाला हम दूसरा कंडेंसर लेंगे और इसको यहाँ पर इस तरीके से इसको भी टच करना है और देखते हैं ये इस तरीके से फॉल्ट मारे गए दोबारा, देखिए इस तरीके से अगर फॉल्ट मारेगा तो वो कंडेंसर ठीक है, यानी कि ये वाला कंडेंसर ठीक है और ये वाला कंडेंसर वीक हो चुका है। तो दोस्तों ये है कंडेंसर को चेक करने की ट्रिक जो हमेशा काम करती है। इसी तरह के टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।